मज़ा में था ना, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूँगा, मैं तो इमेजों में मज़ा। Unfortunately, I'm not getting married. नमस्कार, इस सप्ताह बॉलीवुड मसाला में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं इस सप्ताह क्या रहने वाला है गर्मा गर्म हमारे बॉलीवुड में आज की हमारी इस विशेष पेशकश में। जी हाँ, पद्मावत अब बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल करते हुए दिखाई दे रही है। देश के चार प्रमुख राज्यों में रिलीज नहीं होने के बावजूद भी फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में अभी भी भीड़ दिखाई दे रही है। पद्मावत ने अभी तक वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन मिलाकर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। यमला पगला दीवाना फ्रेंचाइजी का तीसरा सीक्वल यमला पगला दीवाना फिर से की शूटिंग खत्म होने वाली है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। फिल्म में सनी देओल, बॉबी देओल और कृति खरबंदा जैसे प्रमुख सितारे भूमिकाओं में नजर आएंगे। पिता और बेटों के अभिनय से सजा यह फिल्म पहला सीक्वल हिट होने जा रहा था। 23 फरवरी को रिलीज होने जा रही है वेलकम टू न्यूयॉर्क, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा का गुजराती लड़की का लुक खूब वायरल हो रहा है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा गुजराती फैशन डिजाइनर जीनल पटेल का रोल निभा रही हैं। अभिनेत्री ईशा गुप्ता को उनके कुछ खास ड्रेसेस के लिए सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया गया, जिसमें उनके लिए भद्दी बातें तक लिखी गईं। ईशा गुप्ता ने कहा, ट्रॉलर्स मूल रूप से वह लोग हैं जिनके पास खुद के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वे ऑनलाइन आ जाते हैं और कुछ अलग करने के लिए जो ऊपर बढ़ रहे होते हैं उनके पैर खींचना शुरू कर देते हैं। अभिनेत्री और बिग बॉस 11 की रनर अप हिना खान के पास अब काम की भरमार लग गई है। वह जल्द ही लैक्मे फैशन वीक 2018 के रैंप में अपने जलवे बिखेरेंगी। इस सप्ताह बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर छोड़ने की बात कहकर फैला दी थी सनसनी। दरअसल हुआ ये था कि ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स की संख्या के संबंध में मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि वह सोशल नेटवर्किंग साइट छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि ट्विटर ने बिग बी के 3,30,00,000 फॉलोअर्स थे, जो घटाकर 3,29,00,000 कर दिए थे। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने जब फिल्म के बारे में निर्देशक संजय लीला भंसाली को खुला खत लिखा तो बॉलीवुड में दो गुट बनते नजर आए। ट्विटर पर बॉलीवुड के अधिकतर लोगों ने स्वरा के बयान को नीच तक बता दिया। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इस सप्ताह मुश्किल में पड़ गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान के अलीबाग वाले फार्म हाउस को सील कर दिया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन देन के आरोप में की गई है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म हिचकी अब 23 फरवरी को रिलीज नहीं होगी। अरे घबराइए नहीं, यह फिल्म रिलीज तो होगी लेकिन 23 फरवरी की जगह अब यह 23 मार्च को रिलीज होगी। हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह की और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए prabhasakshi.com के साथ। आप हमारा सोशल चैनल YouTube, Twitter, Facebook भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।